press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि IRCTC का जो काउंटर टिकट है, जो हम लोग काउंटर में जाकर के जो टिकट बनाते हैं, उसको कैंसिल कैसे करें। दोस्तों, ये अपडेट आ चुका है IRCTC के वेबसाइट में कि आप काउंटर टिकट को भी अपने से कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ऐसा फीचर्स नहीं था। जो आप काउंटर टिकट जो लेते थे, वो टिकट सिर्फ काउंटर में ही कैंसिल होता था, अदरवाइज कहीं से भी कैंसिल नहीं होता था। दोस्तों, ये कुछ अच्छा नहीं था। अभी जो अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट अच्छा है कि आप काउंटर टिकट को अपने फ़ोन से ही उसको कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसको करेंगे कैसे। दोस्तों, सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट पे जाइए, www.irctc.com या .in, जो भी वेबसाइट का अभी URL है उसमें जाइए। उसका देखिए, IRCTC की वेबसाइट में जाइएगा। काउंटर से बुक किए टिकट को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले IRCTC की मेन वेबसाइट में जाइए। जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे तो दोस्तों आपको क्या है कि IRCTC वेबसाइट में जाने के बाद आपको ट्रेन, यहाँ पे आपको मेन्यू में ट्रेन का ऑप्शन होगा, ट्रेन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ट्रेन ऑप्शन पर आपको कोई क्लिक दिखाई देंगे, यानी ट्रेन का जो मेन्यू है वहाँ पर जो दोस्तों माउस लेके जाइएगा, तो वहाँ पर आपको ये आएगा कि कैंसिल टिकट का ऑप्शन आएगा। तो कैंसिल टिकट में आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। कैंसिल जो है टिकट में क्लिक कीजिएगा, तो कैंसिल टिकट का जो ऑप्शन को आप फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, वहाँ पे आएगा ई टिकट्स, ठीक है, स्लैश आई टिकट। यानी दोस्तों, ई टिकट जो हम लोग आप बनाते हैं अपनी वेबसाइट से या फिर अपने थ्रू जो बनाते हैं टिकट, वो है। और आई टिकट यानी जो काउंटर का टिकट है। दोस्तों, तो क्या ये दूसरा जो आई टिकट है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो काउंटर टिकट का जो ऑप्शन है आई टिकट, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आपका जो PNR मिला है, ठीक है, जो टिकट में जो PNR होता है दोस्तों, वो आपको क्लिक करने का देखिए, सबमिट में क्लिक कर दें। जो ही आप सबमिट कीजिएगा, तो क्या होगा, आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है। OTP को डालें और टिकट को कैंसिल करें। दोस्तों, टिकट कैंसिल करने के बाद क्या करना है, टिकट कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है कि, तो दोस्तों, जब आपका टिकट कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, आपके पास OTP आएगा, तो इसका मतलब आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर। तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास OTP आया है, उसमें PNR और रिफंड अमाउंट जो भी है, वो आपका SMS में शो होगा, ठीक है। आप उस पैसे को जहाँ से आप टिकट बनाए हैं, जो आप काउंटर से बनाए हैं, उस वहाँ पे जा करके इस SMS को दिखा करके अपना रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर आप गलती से कहीं फंस गए हैं या फिर किसी काम के वजह से आप नहीं जाना चाहते हैं और टिकट को कैंसिल कराना चाहते हैं, जो काउंटर से बनाए हैं, तो उसको कैसे कैंसिल करें, दोस्तों ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इसको फॉलो करें। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा अपडेट है मेरे व्यू से। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये अपडेट अच्छा लगा होगा। दोस्तों, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स एंड गुड बाय।